हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, पहाड़ी बाई टू चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अभी सुबह की शुरुआत हो चुकी है, दिन की शुरुआत होने जा ही रही है, आगे क्या क्या हो रहा है आपको बताएंगे। अभी जो है मौसम आजकल काफ़ी गर्माहट भरा हो चुका है, इतनी तेज़ धूप लग रही है कि क्या ही बताएं भाई, दो मिनट भी हम धूप में खड़ा नहीं रह सकते, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है। ओ देखो अभी वहाँ पर सूरज है और इधर चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, ये देखो नीचे नीचे तक यहाँ पे, और कुकर है ना वो सीटी मार रहे, ऐसे घूम रहे उसकी सीटी। कुछ टाइम पहले यहाँ पे इतनी घास नहीं थी और अब देखो कितनी जल्दी यहाँ पे घास आ गई, क्योंकि बारिश हुई और आजकल बरसात का टाइम रहता है ना, ये तो यहाँ पे घास ऐसे खेतों में गांव में ऐसे घास होती रहती है, जब बरसात का टाइम होता है तो ऐसी घास हो जाती है, पेड़ भी हरे भरे, सब कुछ हरे भरे। तो अभी सुबह के बज रहे 8 और जैसे कि आपने देखा आजकल हमारे चैनल पे क्रिकेट की वीडियो आ रही है, क्योंकि मैं 4-5 दिन से इधर उधर जा रहा था क्रिकेट में, दोस्त लोग जो है क्रिकेट में ले जाते थे, क्रिकेट की वीडियो मैंने आपको दिखाई, क्योंकि कुछ न कुछ तो आपको दिखाना था अपने ब्लॉग, तो अब जो है ब्लॉग जो है डेली की तरह स्टार्ट हो जाएंगे, 2 दिन में एक ब्लॉग और कभी कभी डेली भी ब्लॉग, तो ऐसे ही चलता रहेगा, अब आपके लिए ब्लॉग आते रहेंगे। जो भी चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर देना, और कल रात हम लाइव आए थे तो आपने बहुत सपोर्ट किया लाइव जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबका जो लोग जुड़े। तो इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब अभी एक कमरा है ना यहाँ पे, एक कमरा ये, एक कमरा उधर है, इधर मैंने झाड़ू मारना है क्योंकि नीचे भाभी और मारती है झाड़ू, और मैं इधर मारूंगा, तो अभी तक किसी ने मारा नहीं है तो यहाँ झाड़ू मारता हूँ। यहाँ से काफी अच्छी फीलिंग आती है, जब यहाँ से दरवाजा खोलो सीधे बाहर का नजारा इसे। मेन गेट यहाँ से, वहां से सीढ़ी, फिर इधर से, वहां से एग्जिट, दोनों दरवाजे से एग्जिट कर सकते हैं, वहां से भी वहां से भी। एक कमरा ये है, इधर भी अभी झाड़ू मारना है। मम्मी और चली गई खेत में, क्योंकि सुबह के 8 बज गए हैं और उनको धूप लगेगी, तो वो चले गए खेत में, और मैं मेरी दादी है घर में, और अभी यहाँ पे एक और है कोई, ये है अपनी फैमिली का नया मेंबर। ए कितना क्यूट है ना, इसकी भी आंखें भी नहीं खुली, देख देख, इसका अभी नामकरण नहीं किया हुआ है, इसको रोहन कर लाया था रात को, ये देखो जैकेट रखे और उसके ऊपर बिठाया गया इसको, अभी तक ये धूप से करता, अब धूप काफ़ी तेज़ लग रही है तो ये भी यहाँ पे छाव ले रहा है, बहुत प्यारा है ना, जब इसकी आंखें खुल जाएगी तो और अच्छा लगेगा। ले माथे पे वाइट है और चारों तरफ ऐसे घेरा बना हुआ है वाइट कलर का, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस पेटी में रखा गया है इसको, अभी इसके लिए ऐसी जगह बनी है, अभी बड़ा होगा तो और जगह इसके लिए भी बनाई जाएगी, अभी हमारी वीडियो का हिस्सा बनेगा, रोज़ के रोज़ हर ब्लॉग में आपको दिखेगा ये, और इसका नामकरण करेंगे हम जल्दी। अगर कोई नाम आपने सोचा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एक प्यारा सा नाम इसके लिए जल्दी से बता देना आप। बर्तन में धोए इन लोगों ने और खेतों में चले गए, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी, बाद में धो लेंगे, शायद दादी धो दी इनको, और मैं हाथ धो लेता हूँ, इसके बाद नाश्ता करना है। दादी बर्तन धोने की तैयारी कर रही है और मैं नाश्ता करूँगा, तो वो बर्तन भी आ जाएंगे साथ में। छोटा सा किचन है अपना जहाँ पे हम नाश्ता करते हैं, किचन उधर को है लेकिन यहाँ पे भी चूल्हा लगा है, क्योंकि जब हम गैस का प्रयोग करते हैं तो वहाँ खाना बनाते हैं, और गैस का प्रयोग नहीं करते हैं तो इधर बनाते हैं। सामने लकड़ी रखी देखो, वो सिलवट्टा, ये बैठने के लिए, और ये दूध वगैरह के लिए अलमारी, नाश्ते में कल रात के छोले, रोटी है, थोड़ी सी भिंडी की सब्जी है, वो भी चेक कर लेता हूँ, भिंडी की सब्जी है, तीन रोटी मेरे लिए, तीन रोटी बहुत है, मैं तीन ऐसे रोटी खाता हूँ, तीन दो, कभी कभी ज़्यादा भूख लगी इधर उधर जाओ तो चार रोटी। नाश्ते में दादी ने आम भी दिए मुझे, इनको संभाल लेता हूँ मैं, दादी ने बोला कि इनको रख दे, क्योंकि रोहन सारे खा जाते हैं, रोहन को दिखेंगे तो सब खा जाते हैं। फिलहाल तो नाश्ता करते हैं, भिंडी बनी हुई है और छोले कल रात के।
कल की सब्जी मैं क्यों खा रहा हूँ। तो गांव में ऐसे चलता है, लोग रात को बना देते हैं तो बच जाती है, लोग सुबह खा लेते हैं क्योंकि फेंकते नहीं ना, उनका अनादर नहीं करते लोग गांव में। और रोटी, वही रोटी तो नहीं बनाई है, लेकिन चाय, चाय मैंने पीनी अभी, मैं सुबह उठ के पी चाय, और अभी मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, अभी मन नहीं कर रहा चाय पीने का। नाश्ता हो गया है और ये दो आम दिए दादी ने, तो इनको छुपा लेता हूँ ऊपर अपने कमरे में क्योंकि बाद में मेरे लिए बचेंगे नहीं। ये आम आए हैं कोटद्वार से, कल मेरी चाची उन्होंने दिए, यहाँ से चाचा जी गए थे जिनकी गाड़ी है, और वो लाए सामान। दादी भी आम खा रही है। हाँ बड़ा आम चाहिए ना। हाँ बाबा खा ली मर मुझे। दादी भी आम ही खा रही है अभी। एक भी तो लगा दे, एक ऊपर लगा दे। क्या की दियो सामान? पंखा, पंखा तो इनकी। अच्छा है? हाँ तो जैसा कि आजकल पहाड़ों में भी गर्मी काफ़ी तेज़ बढ़ गई है, और हमारे पास पंखा नहीं था, एक पंखा था वो टूट गया था गलती से, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल कोटद्वार से सामान आया, एक पंखा हमने और मंगाया, और उस पंखे के लिए उसकी जो पंखड़ी होती थी जो घूमती थी वो भी टूट गई थी, वो पंखड़ी भी मंगाई है चाचा जी के पास। यहाँ हमारे चाचा जी हैं, उनकी गाड़ी हो गई थी कोटद्वार, और वहाँ से मेरे चाचा जी ने भेजी थी, मेरे अपने चाचा जी ने उधर से यहाँ, और अब उस सामान को जो है सही जगह पे लगाते हैं, उस पंखुड़ी को जोड़ते हैं पंखे पे, और आपको सामान बताते हैं, और एक पंखा और है तो उसको भी बताते हैं आपको। अच्छा ये वाला पंखा है, ये टेढ़ा हो रखा है, सुजाता का है, सुजाता कंपनी का फैन, टेबल फैन ये दिया है, और एक ये दिया है, तो ये टूट गया था, इसको ऊपर खोलता हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको। तो चाचा जी ने यही चीज़ दी थी, ये पंखुड़ी और एक पंखा और कुछ आम देते 4-5 किलो, तो वो अभी दादी ने रख दिए हैं, मैं इसको लगाता हूँ फिलहाल। इस वाले कमरे का था वो, ये वाला पंखा है हमारा, इस कमरे में लगाते हैं, इस कमरे में लगाते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ काफ़ी गर्मी हो जाती है, ये छत इसका ये काफ़ी ऊंचा नहीं है ना, ये तो यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, इसका लगाते हैं यहाँ पे। ये पुराना वाला है, इधर से टूटा ये एक साइड का, और ये अब ये नया वाला सेम ही है, दोनों लग जाएंगे। लग गया, इसको मैंने पेचकस से कसा, इस पे भी नट था, ये नट इसके अंदर अटैच हो गया, ये घूमता है ना अटैच। दादी देख रही, ये पुराना से अच्छा ये हमारा टूट गया था नहीं। हाँ ये लग गया, अब लग लगा गया, ली। चला देना, हाँ ये नहीं खुला, खुला हाँ फिर पंखा लगा ली। इसको ऐसे ट्राई करेंगे, उसका वो ढक्कन बाद में लगाएंगे। चलने लग गया, आवाज दे रहा मस्त से। उन्हें ना वो डाल, दादी उधर की लेकर दी, डर है उस पर ढक्कन नहीं लगाए ना। फाइनली दोस्तों पंखा बन ही गया, इतनी तेज गर्मी, और अब पंखा आ गया है, पंखा पंखा बन गया है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये कपड़े के अंदर छुप गया है, सो रखा है बेचारा, थोड़ी देर में इसको दूध पिलाएंगे। ये सामने दादी और के मुर्गी के बच्चे 6, ये अभी अभी हुए हैं कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले। ये कैसे कर रही है कि मेरे बच्चों को कुछ करने दे। सेम इसी तरह हमारे भी थे, हमारे अब बड़े हो गए, आपको दिखाते हैं अपने कितने बड़े हुए। अरे रे रे रे, बाहर आने के लिए तरस रहे, अभी अभी तुमको चरा के अंदर डाला है, तेरे बाहर आने लग गए, कितने बड़े बड़े हो गए। ये बक्सा इनके लिए रात के लिए, इसमें सोते हैं रात को। कुछ टाइम पहले इस पे बहुत अनार थे, लेकिन बंदरों ने सब खा दिए, जब मैं क्रिकेट मैच खेलने गया था उधर तो बंदरों ने यहाँ खा दिए, घर में कोई नहीं था। मेरे सामने ये मिर्च लगाई गई है, और ये बीन्स वगैरह के पौधे हैं, ये उनकी बेल है, ये वाली बीन्स की बेल, छीमी बोलते हैं जिनको हम आम भाषा में। और ये वही चूहा, ये भी ये कद्दू के बेल है, ये वाले ये पूरा कद्दू का बेल है, और ये रात की रानी फूल, अभी देखो मुरझाए हुए हैं। ये अपने पहाड़ों में मिलने वाला एक कीड़ा,
और ये है भिंडी का पौधा, इस पर छोटी छोटी भिंडी हो रखी है देखो, और ये कीड़ा इस पर बैठा हुआ है, पत्तियाँ खाता है। नहीं, बगीचा है इधर ही पूरा इधर। और यहाँ पे देखो जो अंगूर का पेड़ था उसकी हालत कैसी हो गई, बंदरों ने वो भी सब तोड़ दिया है, और मैंने एक अंगूर नहीं खाया उससे। बंदर यार कुछ नहीं रखते आजकल, ये फालतू में उसको कवर किया था, खाने को कुछ नहीं मिला, बस सारे बंदरों के लिए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। नीचे वाले खेत में मक्का बोया है, यानी कि मुंगरी, हमारी पहाड़ भाषा में जिनको मुंगरी बोला जाता है, इस खेत में वो बोए हुए हैं सारे इधर भी। और ये ककड़ी, ककड़ी होने वाली है अब जल्दी, उस पर पीले पीले फूल लगे हुए हैं, और इसके सपोर्ट के लिए ये बेल ऊपर आएगी तो उसमें और ककड़ी लगेगी। और नीचे वाले खेत में चाचियों ने मिर्च बोए हुए हैं, और गुड़ाई निराई भी कर दी इनकी, अभी अच्छे लग रहे हैं। इन मिर्चों को एक बारिश की ज़रूरत और है, एक बार बारिश और हो जाए तो मिर्च काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और गांव का सीन कुछ ऐसा है, अभी यहाँ पर देखो कोई नहीं दिख रहा इधर आसपास, खाली इस पेड़ में ये चिड़िया देख रही, अपने पहाड़ों की सुंदर सुंदर पक्षी, घंटुड़ी बोलते हैं जिनको। और गांव एकदम खाली हो गया, कोई नहीं दिख रहा है। शाम के टाइम पे लोग अक्सर यहाँ पे बैठे रहते हैं बातचीत करने के लिए, जो पुरुष लोग होते हैं वो यहाँ पे बैठ जाते हैं, कभी कभी महिलाएँ भी, तो ये उनका अड्डा है। और अभी लोग इसलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि सुबह के 9 बज गए हैं, और महिलाएँ चली गई हैं खेत में, और पुरुष इधर उधर दिहाड़ी मजदूरी पे, बाकी लड़के भी नहीं दिख रहे कोई। बादलों के उड़ने वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। वो जो हम कुत्ते का बच्चा लाए थे उस वाले घर में, वो बंदना हो रहे थे, उनका घर है ये, उनका था वो। तो अभी आ गया हूँ कमरे में, और अभी हमारे पास कुछ काम नहीं है, पानी लाने का काम नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि अब पानी हर टाइम आता ही रहता है, खुला ही रहता है पानी, अब तो पानी की कमी नहीं है। वैसे बारिश के बाद कमी हो गई थी, लेकिन हम पाइप बनाने के लिए गए, उस पर जो है कचरा वगैरह चले गया था पाइप पे, और पानी आ नहीं रहा था। एक दिन हम वहाँ भी गए, और मेरे फ़ोन में उस दिन बैटरी नहीं थी, मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाया कि वहाँ कैसे हालात है। तो अभी पानी की समस्या दूर है, अभी हमारे पास कुछ काम नहीं है, तो सीधे आपको मिलेंगे दिन में। अभी सुबह से मैं ब्लॉग बना रहा था, और अचानक से इन लोगों ने मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बुला दिया, एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए यार, कोई प्लान नहीं था, इन्होंने अचानक से बुलाया, और अब जा रहे हैं, 10:30 हो रहा है अभी टाइम। भरौली में मैच है अपना, तो मैच आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, राहुल चाचा है मेरे साथ, मैच रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं है। तो चलते हैं, वो देखो वो भी जा रहे हैं। अरे यहाँ पे बाइक खड़ी है, अपने गांव की रोड है, वहाँ से कटी हुई जो नीचे के लिए, यहाँ पे एक नल, गांव की रोड में आ चुके हैं, और अब गाड़ी आ रही है हमारे लिए। और ये ब्लॉग इतना छोटा सा होने वाला है क्योंकि ऐसा इरादा नहीं था मैच का, और इन्होंने तुरंत बुला दिया, और जा रहे हैं भरौली के ग्राउंड में, काफ़ी अच्छी पिच है वो, और हमारा मैच पता नहीं किसके साथ है, तो मैच रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा मैं, इसके लिए सॉरी। और क्योंकि बैटरी नहीं है, ऐसा प्लान नहीं था। अभी यहाँ पे दो बछड़े भी चल रहे हैं, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो क्या करना है, नीचे सब्सक्राइब बटन होगा उसको दबा देना है। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। ये दोनों यहाँ पे चल रहे हैं सड़क के किनारे, और धूप इतनी तेज़ पड़ रही है, क्या ही बताऊँ मैं आपको, पसीना हो गया यहाँ से नीचे से रोड में आते तक।